आज की ये वीडियो के लिए आपकी भी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि आपकी हेल्प थोड़ी सी जरूर लेकिन वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। हम बात करें 5G मोबाइल स्कैम, क्योंकि आप जब कॉल करते हैं तो सबसे ज्यादा कॉल ड्रॉप, कोई आपको कॉल करता है ऑन 5G नेटवर्क, कॉल नहीं लग पाती, और आप किसी को कॉल करते हैं तो कॉल लगने से पहले 2-3 बार कट रही है, तो वो भी एक इश्यू है। लेकिन कब हमें 5G नेटवर्क पे वॉइस ओवर NR देखने के लिए मिलेगा? लेकिन आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करनी है लास्ट में वीडियो के। सबसे पहले बात करें, स्मार्टफोन कंपनियां किस चीज का वेट कर रही हैं कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिटियों में 5G नेटवर्क लॉन्च होने लग गया है। हम एयरटेल की बात करें या हम जियो की बात करें, एक अच्छा खासा आंकड़ा पहुंच चुका है, लेकिन कंपनियों ने पहले जियो ट्रू 5G मतलब ऐसे अपडेट के लिए बहुत ज्यादा वेट करवाया, फाइनली अपडेट दिया मैक्सिमम मोबाइल फोन में। आज भी बहुत ज्यादा मोबाइल फोन ऐसे हैं जहां पे नहीं चला, लेकिन मैक्सिमम मोबाइल फोन में आपको अब जियो ट्रू 5G या बात करें एयरटेल के 5G प्लस नेटवर्क यूज करने के लिए मिलते हैं। आप अच्छी स्पीड से डेटा भी यूज कर पा रहे हैं। लेकिन जो बात की जाए, मेन प्रॉब्लम जो है 5G मोबाइल फोन में, जो मैक्सिमम लोग इशू कर रहे हैं, वो है कॉल ड्रॉप का, और कॉल कर रहे हैं तो वो 5G पे मूव क्यों हो रहे हैं। यहाँ पे बात करी जाए तो कंपनियां, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां XYZ कोई सी वो डजंट मैटर, लेकिन एक बजट ही मोबाइल फोन लॉन्च करती हैं, फिर किस चीज का वेट चल रहा है? क्या वो मोबाइल फोन खराब है आप जो खरीद रहे हैं? क्या उनमें किसी तरीके का कोई अपडेट नहीं आएगा? तो ये पब्लिक को कब अनाउंसमेंट किया जाएगा? क्या तब वो फाइनल स्टेट आ जाएगी जहां पे ऑल इंडिया 5G लॉन्च कर दिया जाएगा, तो उसके बाद एक सरप्राइज दिया जाएगा कि इन मोबाइलों में आपको वॉइस ओवर NR अपडेट नहीं मिलेगा, आप 5G कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। जब भी आपको कॉलिंग यूज करनी है तो आपको 4G नेटवर्क पे मूव ऑन होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो मेन इशू 5G कॉलिंग मतलब 5G नेटवर्क पे कॉलिंग का है, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो मैक्स टाइम आपकी सिटी में जियो ट्रू 5G या एयरटेल 5G प्लस लॉन्च हो चुका है, तो आप मैक्सिमम टाइम 5G नेटवर्क पे ही रहते हैं, और कोई आपको कॉल कर रहा है और आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो वहां पे कॉल नहीं लग रही, तो ये इशू किस चीज पे डिपेंड करता है? तो जैसे कि हम बात करें, ऐसा नहीं है कि 5G पे कॉल नहीं होती, तो आप यहाँ पे ये वीडियो देखेंगे तो इजिली नेटवर्क पे 5G नेटवर्क पे आपको कॉल बहुत आसानी से देखने के लिए मिलती है। LTE 4G टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। बात करी जाए तो एज पर तब आप कॉल करते हैं किसी को, तो लेकिन प्रॉपर 5G नेटवर्क के लिए और प्रॉपर 5G कॉलिंग के लिए दोनों ही चीजें सपोर्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि LTE को हटा के वॉइस ओवर NR कर दिया जाएगा। LTE 5G मतलब बात की जाए तो LTE टेक्नोलॉजी जो है वो 4G कॉलिंग के लिए सपोर्टेबल है, और बात करी जाए तो वॉइस ओवर NR जो है वो 5G कॉलिंग के लिए सपोर्टेबल है। साथ में आपको वाईफाई कनेक्टिविटी कॉल मिलता है, मतलब यह है कि तब आपके मोबाइल में 4G या 5G नेटवर्क अवेलेबल ना हो तो वाईफाई की मदद से भी वो वॉइस कॉलिंग जो है वो पॉसिबल हो पाए। जब स्मार्टफोन कंपनियां प्रॉपर 5G पे अपडेट दे देंगी, मतलब बात की जाए जो आपका कॉलिंग इश्यू चल रहा है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। अभी आप इस वीडियो के बाद या अभी पॉज करके अपनी वीडियो मोबाइल नेटवर्क सेटिंग के अंदर जाके देखेंगे तो मैक्सिमम मोबाइल फोनों में जहां पे कॉलिंग इशू आ रहा होगा वो LTE पे ही सपोर्ट कर रहा होगा, आपको वॉइस ओवर NR देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा अपने मोबाइल फोन के अंदर, इसलिए आपके मोबाइल फोन में इशू आ रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल बनता है कि इस इशू को कब खत्म किया जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमेशा ये कहती है क्वालिटी ऑफ सर्विस तो तब यूजफुल रहेगी, तब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वॉइस ओवर NR पे अपडेट देंगी, या आप ये कह दीजिए कि नहीं, इन मोबाइल फोनों में नहीं आएगा, क्योंकि आप 5G मोबाइल फोन खरीदने वाले हैं या खरीद चुके हैं या अभी विचार बना रहे हैं, तो वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते मार्केट में कि आपको एक्चुअली अपने अंडर बजट मतलब 20,000 रुपए से नीचे के कौन से मोबाइल फोन में बात की जाए तो वॉइस ओवर NR सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हर किसी मोबाइल फोन में नहीं आ रहा, लेकिन मैक्सिमम मोबाइल फोन में ये चीज हिडन रखी जा रही है कंपनियों के साइड से, तो इसलिए यहाँ पे ये मतलब बात की जाए तो ऑब्जेक्शन बहुत बड़ा है। लेकिन आप हमारे चैनल पे फर्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, हम उसका सोल्यूशन या आपकी द्वारा ही आपको बता के कंपनियां फिर अपडेट देना शुरू करती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो इसलिए मैं इशू जरूर उठाता हूँ। यहाँ पे बात करी जाए तो आप कोई नया मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, किसी का भी हो, वो सैमसंग का हो, नोकिया का हो, या मैं बात करूँ रियलमी का हो, ओप्पो का हो, शाओमी का हो, रेडमी का हो, पोको का हो, वीवो का हो, XYZ किसी भी कंपनी का हो,
तो वहां पे आपको वॉइस ओवर एनआर सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो किसी काम का नहीं है। अभी रिसेंटली शायद कंपनियां रिलीज करे लिस्ट, तो एक अच्छी चीज है कि इन मोबाइल फोनों में कुछ टाइम के बाद अपडेट आएगा। अभी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है, तो मतलब ये है कि हम कंपनी का ये भी नहीं कह सकते कि शायद आपको बहुत ज्यादा मोबाइल फोन में ये अपडेट देखने के लिए ना मिले, क्योंकि कंपनी अभी तक कोई भी क्लेम नहीं कर रही। अभी कंपनियों का जो कहना है वो आपको 27-28-25-30 हजार रुपए के मोबाइल के ऊपर प्राइस सेगमेंट में ज्यादा कर में आपको वॉइस ओवर एनआर सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि आप कॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो ये इशू किस तरीके से खत्म होगा, या तो हमें काम करना पड़ेगा या आपको हमारी सपोर्ट करना पड़ेगी, तभी ये कंपनियां जो भी हैं वो कहीं ना कहीं इस पे एक्शन लेंगे, जिसके बाद आप जो 5G नेटवर्क पे इशू मिल रहा है वो चीज खत्म हो पाएगी, आपकी कॉलिंग भी बेहतर हो पाएगी। अब ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर होगा, तब कॉलिंग करते हुए ड्रॉप होती है, मतलब कॉल बिजी जाती है, वो ड्रॉपनेस होती है, ना कि कॉलिंग लगते हुए कॉल ही ना लगे, तो वो ड्रॉपनेस के अंदर नहीं आती, वो मोबाइल के अंदर ही कमी है। मतलब उसे बार बार मूव होना पड़ रहा है कॉलिंग के लिए, 4G नेटवर्क के लिए, इंटरनेट के लिए, 5G नेटवर्क के लिए। तो ऐसा भी कर सकते हैं, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट में लिख के बताएं, और हैशटैग जोन सी मोबाइल, मतलब कोई सा भी आप मोबाइल यूज कर रहे हैं वो किसी भी कंपनी का हो, तो हैशटैग मोबाइल कंपनी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम हैशटैग आनंद मास्टर जी डाल रहे हैं, तो आप आनंद मास्टर जी की जगह पे हैशटैग लगा के अपनी मोबाइल कंपनी का नाम डाल सकते हैं जिस पे आपको ये इशू फेस हो रहा है। और साथ में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यूट्यूब पे ही कमेंट करें, आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी इस वीडियो को शेयर करें, हैशटैग जरूर लगाइएगा कंपनी का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप तब तक हैशटैग नहीं लगाएंगे तब तक कंपनी को पता नहीं चलेगा, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, या XYZ कहीं पे भी हो, शेयर जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। तब तक कंपनियों के पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगी, तब तक इस पर एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। और आपके पास अपडेट आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ तो शायद आप भी उसी तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। कोई कॉल करता रहता है, 5-5, 6-6 कॉल ही नहीं लग पाती है, क्योंकि LTE पे जा नहीं पाता, वो कॉल कनेक्ट हो नहीं पाती। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई नहीं दे रही, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।